टिश्यू, यूज्ड किया हुआ टिश्यू फेंक रहे हो, कितना कितना गिरोगे भाई। तो वो थप्पड़ ने, उसने थप्पड़ नहीं मारा था, उसने जैसे ही ऐसे किया उसने रिएक्ट कर दिया हटने के लिए कि क्या कर रहा है ये तू, मेंटल लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा है ना। देखिए पहली बात तो मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहूंगी, मैं नहीं मिलना चाहूंगी, क्योंकि जो जो मेरे बच्चे के साथ उन लोगों ने किया है ना, मैं फिर से उनका सामना नहीं करना चाहूंगी। तो बस मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना था उससे कि हमारे घर में टीवी कब टूटा था, हमारे बच्चे को हमने कब थप्पड़ मारा था, बस मेरा एक ही सवाल था। और मुनव्वर का अपना स्वभाव है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा वो रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूंगी। बिग बॉस का फिनाले अब बहुत ही नजदीक है और बिग बॉस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट हैं अभिषेक कुमार, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं अभिषेक कुमार की मम्मी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी टेली रिपोर्टर में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अभिषेक विनर की रेस में सबसे आगे हैं, लाइक उन्हें फैंस टॉप टू में मान रहे हैं, तो उस पर आपका क्या ख्याल है, क्या सोचना है, कितना अच्छा लगता है जब अभिषेक को लोग एज अ विनर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतना ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, सब इतना प्यार कर रहे हैं कि मतलब बता ही नहीं सकती कि सब पे, अपने बच्चे पे भी और सब लोगों पे भी मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोग मेरे बच्चे को इतना प्यार दे रहे हो। और विनर से पहले ही विनर डिक्लेयर कर दिया है उसको, अगर ट्रॉफी लाए चाहे ना लाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबके दिलों में बस चुका है। ये तो है, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, चाहे प्रिंस नरूला हो, रितेश देशमुख हो, या उडारिया की पूरी कास्ट हो, वो अभिषेक को सपोर्ट कर रही है। इनफैक्ट उनके जितने भी इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंड्स हैं सब अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसी शो का हिस्सा रही है ईशा, लेकिन ईशा को वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा, अभिषेक को आ रहा है, तो कोई तो वजह होगी, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए ये तो वही बता सकती है या उसके पेरेंट्स बता सकते हैं, है ना, मैं कैसे बता सकती हूँ कि क्या वजह रही होगी। आप बिग बॉस के घर में गई थी, आप ईशा से मिली और ईशा ने अभिषेक पर कई तरह के इल्जाम लगाए कि फिजिकल वॉयलेंस, ये वो, टीवी तोड़ने का। पर हमने देखा जब आप अंदर गए, आपने कन्फ्रंट किया, तो ईशा अपने ही डगमगाती हुई नजर आई अपनी ही बात से। और सेम चीज जब करण जौहर ने भी कही वीकेंड के वार में, तो वो वहां पे भी डगमगाती हुई नजर आई। तो नेशनल टेलीविजन में इतना झूठ मतलब कैसे बोल सकते हैं, वो भी इतने बुलंद आवाज में। देखिए मेरे को ये सब बातें नहीं पता कि उसने क्या झूठ बोला क्या नहीं बोला, और बोलते हैं ना कि सच को आंच नहीं होती, है ना। तो बस मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना था उससे कि हमारे घर में टीवी कब टूटा था, हमारे बच्चे को हमने कब थप्पड़ मारा था, बस मेरा एक ही सवाल था। बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो थप्पड़ वाली बात भी कर रही है, उस टाइम भी 31 को अभिषेक मेरे साथ कॉल पे था। उन्होंने मुन्नवर को बताई भी ये बात हाँ तो कराए मतलब कि अभिषेक इतना मतलब साफ दिल का है और अच्छा इंसान है, वो अपने मम्मा पापा से इतना अटैच्ड है, मेरे से खासकर, कि मतलब कोई भी मतलब कोई फंक्शन हो कुछ हो उसने मेरे साथ ही रहना है, और बाय चांस ना हो तो वो कॉल पे होता है, मेरा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है उसने मनाना ही मनाना है। तो एनिवर्सरी पे उस टाइम साथ नहीं था क्योंकि शूट चल रहा था, तो वो मेरे साथ उस टाइम कॉल पे था वो। वही, और ये चीज सामने भी आई। एक और चीज हाँ आंटी जी की कि मुन्नवर और अभिषेक दोनों की दोस्ती इस सीजन का टॉक ऑफ द टाउन बनी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन अभिषेक हमेशा अपनी दोस्ती प्रूव करते हुए नजर आए। मुन्नवर को जब भी उनकी जरूरत रही अभिषेक हमेशा खड़े रहे, पहले इंसान होंगे जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे, लेकिन शायद अभिषेक को मुन्नवर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला। तो इस पर आपका क्या सोचना है कि कहीं ना कहीं मुन्नवर से चूक हुई है अभिषेक की दोस्ती को लेकर? देखिए हर एक का अपना स्वभाव होता है, अभिषेक का स्वभाव है कि वो उसने जो भी रिश्ता बनाना है उसको उसने 100% देना है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे फैमिली हो चाहे रिश्तेदार हो। अभी मैं अंदर गई थी, उसने एक एक जने को, जानने वाले को, पहचानने वाले को, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबको, एक एक जन को उसने पूछा है, तो नहीं तो कहाँ कोई पूछता है आजकल।
तो वो अपना पूरा 100% देता है, और मुनव्वर का अपना स्वभाव है, जैसा उसका स्वभाव है वैसा वो रिएक्ट करता है, तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूंगी। और एक और चीज बहुत अप्रिशिएट हुई अभिषेक अभिषेक की ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अप्रिशिएट हुई हैं, उनका और खानजादी का बॉन्ड भी बाहर तहलका मचाया है उन्होंने। अभी जादी करके हैशटैग बना है, तो अभिषेक कई बार याद करते हुए भी नजर आए खानजादी को, तो इस पर क्या आपका ख्याल है कि बाहर आकर बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, आप किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी, कुछ सोचा है आपने अभी तक? देखिए अभी तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ कि वो अपने काम पे फोकस करे, अपने सारा ध्यान अपने काम पे लगाए, क्योंकि यही टाइम है उसके काम का, और इन सब चक्करों में ना पड़े, क्योंकि पहले ही इतना कुछ झेल चुका है वो बच्चा, आपने देखा ही है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि फिर से वही चीज रिपीट हो। बिल्कुल सही। और आंटी आप जब बिग बॉस के घर में गई, इतना बड़ा घर और बहुत डर भी लगता है, जाने से पहले आपको क्या आपके मन में ख्याल था, वहां जाकर क्या आपने महसूस किया, आप कुछ बताना चाहें? नहीं बस एक ही ख्याल था मेरे को कि बस अब शेख से मिलना है। मैं 2 दिन पहले से इतनी इमोशनल हो रही थी उसको सोच सोच के कि कैसे मिलूंगी, कैसा मोमेंट होगा, मतलब आंखों से ऐसे पानी गिर रहा था बिना मतलब के। 2 दिन तक मैं रोती रही हूँ उसको सोच सोच के, क्योंकि कोई बात नहीं होती फोन पे, है ना, मैं तो टीवी पे भी देख रही हूँ उसको, 24 घंटे लाइव भी चल रहा है, पर वो तो हमें ना देख रहा है ना सुन रहा है ना कुछ, ऊपर से घर का माहौल इतना खराब हो चुका है, तो बहुत बहुत मेरे को सोच सोच के बहुत रोना आता था। 2-3 दिन पहले ही वो इंसिडेंट हुआ था जो वो था पोकिंग वाला था, जो टिश्यू गया था अंदर, तो सोच सोच के बहुत उस टाइम मेरी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जी अभिषेक ने समर्थ को एक लाइक रिस्पॉन्स दिया थप्पड़ मार के, उनको इतना ज्यादा पोक किया गया, थप्पड़ मारने के बावजूद भी अभिषेक हीरो बन गया, ये बात खुद सलमान खान ने कही कि थप्पड़ मार के भी वो हीरो बन गए और सामने वाला इंसान विलन था। तो आपके मन में क्या ख्याल था जब अभिषेक के साथ वो सारी चीजें हो रही थी, सब उनके अगेंस्ट थे, वो अकेले लड़ रहे थे, एक भी जना उनके सपोर्ट में नहीं था, तो तब क्या फीलिंग थी, कितना बुरा लग रहा था ये चीज टीवी पर देख के? बहुत बुरा लग रहा था, लगातार बार बार लगातार पेरेंट्स पे जाना, गंदी गंदी गालियां देना, मेंटल लौंडा, बाप का मेंटल लौंडा, है ना, कितना गलत है, उसकी क्लोस्ट्रोफोबिया पे मजाक उड़ाना, जबकि ईशा को पर्सनली पता है उस चीज के बारे में, आप अंदर से आके उस टास्क वाले रूम से आके बाहर उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो, कप ले जा रहे हो, गिलास ले जा रहे हो, टिश्यू यूज्ड किया हुआ टिश्यू फेंक रहे हो, कितना कितना गिरोगे भाई। तो वो उसने थप्पड़ नहीं मारा था, उसने जैसे ही ऐसे किया उसने रिएक्ट कर दिया हटने के लिए कि क्या कर रहा है ये तू, कोई और होता तू तो 4-5 थप्पड़ जड़ देता कि कितना बेवकूफ है तू, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया था। आप आंटी अभिषेक को एडवाइस देते हुए नजर आए कि विक्की अंकिता से आप थोड़ा संभल के लाइक इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, वहीं अगर आपको कभी ईशा और समर्थ बाहर मिलते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, अगर कभी भी आपकी मुलाकात होगी तो पहले शब्द क्या होंगे आपको उन दोनों के लिए? देखिए पहली बात तो मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहूंगी, मैं नहीं मिलना चाहूंगी, क्योंकि जो जो मेरे बच्चे के साथ उन लोगों ने किया है ना, मैं फिर से उनका सामना नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं, ना कोई एडवाइस देना चाहूंगी। उसके पेरेंट्स हैं और एडवाइस देने के लिए, मैंने अपने बच्चे को कैसे पाला है, उन लोगों ने कैसे पाला है, वो तो सामने ही दिख रहा है। जी बिल्कुल। लास्टली आंटी आपसे ये बोलना चाहूंगी कि अभिषेक की जर्नी बहुत ही उतार चढ़ाव की भरी रही, लेकिन प्रॉपर हीरो की जर्नी जो होती है उतार भी आए तो फिर चढ़ाव भी आए, हर एक चीज ने उनको कहीं ना कहीं निखारा है। तो लास्टली बिग बॉस का फिनाले बस एक ही हफ्ता दूर है और बिग बॉस का हमें विनर मिल जाएगा, तो आप उनके फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैंस को यही कहूंगी कि ऐसे ही अपना प्यार बना के रखना और ढेर सारा वोट करना और आशीर्वाद देना कि वो जीत के आए और ट्रॉफी लेके आए, वैसे तो आपके दिलों में वो बस ही चुका है, ऐसे ही अपने दिलों में बसा के रखिएगा उसको प्लीज।
प्लीज 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 वोट करिए, ढेर सारे वोट करिए उसको, क्योंकि अभी वो नॉमिनेट भी हो चुका है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।